वेलकम टू रियल स्टडी फ्रेंड साइंस पढ़ा चाहूँ तले ए वीडियो केवल तुम्हारी साइंस पढ़ापी तुम्हें योग्य कि ना यार आंसर पाइबा साइंस पढ़ा द्वारा तुम्हार कौन फायदा हम यार आंसर मध्य पाइबा साइंस पढ़ा द्वारा पांचटी सब्जेक्ट तुमको इंग्राजी पढ़ा पड़ो तुम्हें एथपाय समर्थ कि नुहे ए सबुर आंसर तुम्हें ए वीडियो पाइपर तले ए वीडियो को निश्चित केयरफुली देख तुम्हे साइंस पढ़ाप योग्य कि ना प्रथम यार आंसर मुझे जदि तुम्हें फर्स्ट क्लास रु एबव मार्क रखुच तेल तुम्हें निश्चित साइंस पढ़ाई योग्य जब तुम्हें सेकेंड डिविजन आणुच तुम्हें साइंस पढ़ी पार कौन असुविधा ना कि तुमको बहुत कष्ट पड़ो कारण साइंस तुम्हें एपर सेपर मार्क रखिपर नहीं तुमको निश्चित साइंस पार्ट को भल भाव पढ़ा पड़ो भल भाव बुझा पड़ो तुम मार्क रखिपर ना साइंस तुम्हें बहुत कष्टदायक हो पार जब तुम सेकेंड क्लास होदि तुम्हें थर्ड क्लास पाच तेल तुम्हें साइंस को कदापि चूज कर ना कारण यह तुम्हें अत्यंत कष्टदायक हो पाए तुम्हें यह बदल कमर्स ना आर्ट्स यहाँ चूज कर फायदा रो गोटे कथा साइंस तुम इच्छा थी दरकार इंटरेस्ट थी दरकार जब साइंस तुम इच्छा ना इंटरेस्ट ना बापा माँ को प्रेसर में कि प्रेसर में पढ़ु तेल टोटाल यहाँ चूज कर ना तुम साइंस इंटरेस्ट रही दरकार जदि साइंस इंटरेस्ट ना तो साइंस को कदापि चूज कर ना बहुत असुविधा पड़ो साइंस पढ़ापी तुमको अत्यंत कष्ट पड़ो जदि तुम्हें अत्यंत कष्ट ताले साइंस को चूज कर जब तुम कह एम सेमती मोर मार्क आसीज कपी आशार मार्क आसीज कारण यह हूँ प्लस टू दशम श्रेणी पर नुहे कि तुमको निश्चित कष्ट पड़ो जब तुम्हें कष्ट चाहू ताल साइंस को कदापि चूज करना जब तुम्हें साइंस पढ़ुच पांचटी सब्जेक्ट तुमको इंग्राजी पढ़ाक पड़ो तुम्हें यहाँ पर योग्य कि ना मुझी जाणी कारण मुझे साइंस स्टूडेंट मुझी जाणी मुझी भी जाणी से अनुसार जो पांचटी सब्जेक्ट तुम इंग्लीश अच्छी से इंग्लीश अत्यंत सहज जब तुम्हें समर कोर्स करदे तीन मस भर तुम्हें निश्चित ये सब इंग्लीश को कहींपर लिखिपार बहुत सहज जब तुम्हें साइंस पढ़ु तेज़े अटोमेटिक तुम इंग्राजी ज्ञान निश्चित बढ़ी कारण पांचटी सब्जेक्ट तुम इंग्राजी पढ़ार अच्छी इंग्राजी कौन टेनसन हार ना इंग्राजी हूँ बहुत सहज लांगुएज तुम्हें जदि साइंस पढ़ुच इंग्लीश अटोमेटिक होपाई मुझे गोटे बेस्ट उपाय कहूँ तुम्हें समर कोर्स कर दियो समर कोर्स करा द्वारा तुम्हें इंग्लीश रो निश्चित नॉलेज किसी पाइव आब प्लस टू जॉइन करापर तुम इंग्राजी तुम्हें सहज हो बर्तमान जाना साइंस जो तुम पढ़ु कौन कौन सब्जेक्ट तुम सब पढ़ देख जब तुम साइंस पढ़ुच दुईटी तुम कंपलसरी अच्छी प्रथम हूँ इंग्लीश जनरल इंग्लीश स्टोरी फोर जहाँ अच्छी इंग्लीश इंग्लीश तुम कंपलसरी नवा को ही पढ़ इंग्लीश गला सेकेंड हूँ तुम ओडिया नहीं पार ना और संस्कृत नहीं पार ना और हिंदी नहीं पार तेलुगु नहीं पार उर्दू नहीं पार तुम जहाँ सेकेंड चाहू ओडिया संस्कृत तेलुगु यहीपर तुम जहाँ चाहू ताको चूज कर पार दुईट सब्जेक्ट गला प्रथम इंग्लीश सेकेंड ओडिया ना हिंदी ना संस्कृत यहीपर तुम्हें गोटे चूज कर तापर हूँ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तुमको कंपलसरी रखा ही पड़ो जब तुम मैथमेटिक्स भल हो निश्चय तुम साइंस भल कर जदि मैथमेटिक्स खराब होने तुमको अत्यंत कष्ट पड़ो मैथमेटिक्स को भल भाव बुझा पड़ो ताप तुम मैथमेटिक्स को भल भाव करतापर आउ गोटे सब्जेक्ट पढ़ा पड़ो फिजिक्स पदार्थ विज्ञान ए फिजिक्स अत्यंत सहज यार कनसेप्ट बहुत भल भल कनसेप्ट यार अच्छी तुम निश्चित फिजिक्स को कहींपर जब तुम्हें दशम श्रेणी फिजिक्स पढ़ी तेल प्लस टू में फिजिक्स पढ़ी पार कि प्रत्येक को तुम्हें इंग्राजी पढ़ो अत्यंत सहज पाठ किसी कष्ट नुहे आउ गोटे सब्जेक्ट तुम पढ़ा पड़ो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान निश्चित तुम्हें दशम श्रेणी भी पढ़ी प्लस टू भी सब पढ़ो प्लस टू भी सब को पढ़ो सहज पाठ किसी कष्ट नुह कि प्रत्येक को इंग्राजी पढ़ा पड़ो तुम्हें दुई तीन मस पर ये केमिस्ट्री को भल भाव बुझीपार ये मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें साइंस जदि चूज कर तुमको ग्यारंटेड पढ़ा पड़ो ये हूँ तुम कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो तुम साइंस पढ़ु ये तीनो तुम्हें नापाई बाध्य आउ गोटे सब्जेक्ट हूँ बायोलोजी ए बायोलोजी और तुम्हें स्टाटिस्टिक्स नहीं पार कंप्यूटर साइंस नहीं पार आई टी नहीं पार क्यों क्यों कॉलेज रे इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए तुम्हें जोटा भी चूज कर पार बायोलोजी नहीं पार स्टाटिस्टिक्स नहीं पार आई टी नहीं पार कंप्यूटर साइंस नहीं पार इकोनॉमिक्स नहीं पार एवं अन्य कितने सब्जेक्ट अच्छी तुम यह चूज कर पार कि जेकोसी गोटे नवा पड़ो अधिकांश पिला बायोलोजी नि स्टाटिस्टिक्स नि आई टी
अनेक छुआ आउ जो ऑप्शन रहा इकोनॉमिक ये सब अल्प अल्प छुआ नि अधिकांश छुआ बायोलॉजी नाक पसंद करती। जदि तुम्हें बायोलॉजी पढ़ु ये तुम दुईट बही अच्छे गोटे हूँ जूलॉजी बही जहाँ आनिमल विषय अच्छी पशु मान विषय पढ़व आउ गोटे हूँ बोटानी बही। बोटानी बही तुम्हें केवल गच मान विषय पढ़व उद्भिद मान विषय पढ़व जहाँकि तुम्हें दशम पढ़ी चल से ही पाठ को टी अधिक तुम्हें प्लस टू पढ़व। जब तुम स्टाटिस्टिक्स नौ यह तुम दशम श्रेणी भी किसी पढ़ी कि आउटे अधिक करेक अधिक कर तुम यहाँ प्लस टू पढ़ी पार। आई टी से हीपरी अच्छी जब आई टी पढ़ु तुम आई टी भी पढ़ी पार। कंप्यूटर साइंस तुम्हें पढ़ी पार ना इकोनोमी पढ़ी पार तुम इच्छा अनुसार जोटा तुम सिलेक्ट कर। बर्तमान जानवा टी जो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ए कौन कौन सब्जेक्ट तुम सब पढ़ा पड़ो दशम श्रेणी से सब थिला ना कि नुआ अच्छी से सब जानवा मन कौन मैथ तुम्हें पढ़ु मैथ्रे जहाँ दशम थिला से सबू सेम टू सेम अच्छे जेपरी रियल नंबर एटी भी अच्छी कॉम्प्लेक्स नंबर आउ ट्रिगोनोमेट्री सेट प्रोबेबिलिटी ये सब तुम्हें निश्चित प्लस टू मध्ये पढ़व किंतु आउ टे अधिक लेवल पढ़व ता सहित डेरिवेटिव अच्छी इंटीग्रेशन अच्छी एहिपरी अनेक सब्जेक्ट रही तुम्हें जदि पढ़व यह सब भल भाव बुझीपार निश्चित तुम्हें साइंस पढ़ी पार। आउ गोटे जाना फिजिक्स फिजिक्स तुम्हें दशम श्रेणी जहाँ पढ़ी से सब रही जमीन पढ़ी लेंस विषय पढ़ी मिरर विषय पढ़ी से सब प्लस टू रही। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो पढ़ी विद्युत से भी प्लस टू रही। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व विषय तुम पढ़ी सी भी प्लस टू रही। आउ ऑप्टिक्स पढ़व इलेक्ट्रोफिजिक्स पढ़व न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़व एपरी अनेक सब्जेक्ट अच्छी तुम्हें यहाँ तुम ये सब को प्लस टू पढ़ी पार बहुत भल भल कनसेप्ट फिजिक्स भल भाव बुझीपार निश्चित आपाई सहज। एबे जानिबा केमिस्ट्री विषय केमिस्ट्री प्रकृत में तीन गोटे ब्रांच रही गोटे हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आउ गोटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आउ गोटे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब विषय पढ़व। जो तुम्हें पढ़ुच जो तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखुच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ा दशम श्रेणी आधुनिक पर्याय सारणी से सब विषय पढ़व पी ब्लॉक पढ़व एस ब्लॉक पढ़व डी ब्लॉक पढ़व ये सब एलिमेंट विषय पढ़व उपादान मान विषय पढ़व। आउ जदि कह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें कार्बन विषय पढ़व तुम्हें सब कु दशम श्रेणी में पढ़ी कार्बन और यार जो से टपिक्र एकदम बहुत बड़ टपिक अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तुम्हें प्लस टू बहुत अधिक पढ़व जमी आल्डिहाइड पढ़ी कीटोन पढ़ी कार्बोसिलिक एसिड पढ़ी ये सब तुम्हें प्लस टू पढ़व बहुत बड़ सब्जेक्ट ये सब बहुत सहज पाठ तुम्हें जब भल भाव पढ़व निश्चित तुम्हें कर। बर्तमान जानवा बायोलॉजी विषय जो तुम बायोलॉजी पढ़ुच बायोलॉजी गोटे बह हूँ जूलॉजी मनुष्य विषय पढ़व एनिमल विषय पढ़व जमी तुम्हें पढ़ी एक्सरेसन आउ रिप्रोडक्शन एनिमल किंगडम ये सब टॉपिक विषय तुम पढ़ी दशम श्रेणी आउ टे अधिक लेवल कर तुम्हें प्लस टू पढ़व। जमी अच्छी बोटानी बही बोटानी तुम्हें कौन पढ़व बोटानी से हीपरी तुम अच्छी उद्भिद मान विषय पढ़व रिप्रोडक्शन एक्सरेसन ये सब जहाँ भी अच्छी से सब पढ़व। जदि तुम्हें साइंस पढ़े चाहो तुम रिजल्ट बाहर तीन मास समय रही ए समय भितर समर कोर्स कर दि समर कोर्स करा फल तुम्हें अति सहजरे इंग्राजी को धरी पार आउ जो प्लस टू जॉइन कर से तुम्हें ये सहज होदि तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब कर दि कारण यहीपरी एजुकेशनल वीडियो ये चैनल बारंबार आसिया रही निश्चित तुम लाइफ ये चैनल किसी हेल्प कर पार निश्चित सब्सक्राइब कर रख। आउ जदि किसी क्वारी थाए किसी क्वेश्चन थाए आर्ट्स पढ़िया दरकार कि कमर्स पढ़िया दरकार आर्ट्स कौ कौ सब्जेक्ट पढ़ा जाव कमर्स कौ कौ सब्जेक्ट पढ़ा जाव जदि तुम्हें दरकार निश्चित तुम्हें ये वीडियो तले मत कमेंट कर कह ता विषय मुझे वीडियो को नहीं आसबी।